गाइस, दिस इज कृति भटनागर एंड टुडे वी आर गोइंग टू जीएनएलयू गुजरात जो कि एक लॉ कॉलेज है और वहाँ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने अपना एलएलएम कंप्लीट किया था वहां से 2020 में और क्योंकि कोविड आ गया था तो कॉन्वोकेशन नहीं हो पाया, तो इसलिए आज हम कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं अहमदाबाद। कॉन्वोकेशन कल है सो हम वहां जाके कॉन्वोकेशन को अटेंड करेंगे, मैं और मेरे मॉम डैड, और मैं अपने फ्रेंड से भी मिलूंगी बहुत दिनों बाद क्योंकि कोविड की वजह से हम सब मिल नहीं पाए थे। तो आई टेक यू विद मी एंड आई होप यू डू एंजॉय दिस वीडियो। हम पहले कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगे, उसके हाईलाइट्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाके कैंपस टूर करेंगे जीएनएलयू गुजरात का। तो जीएनएलयू गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस लॉ कॉलेजेस इन इंडिया एंड आई होप यू डू लाइक द टूर एंड ओके, चलिए अब हम चलते हैं। सो ये मैं घर से निकल गई हूँ, अब हम जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं एंड दिस इज़ द फ्लाइट गाइज, और अब हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद। तो हम रात को आए यहाँ पे। हेलो, सो अब हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद। आज 6 तारीख है, कल बहुत थक गए थे तो इसलिए मैंने व्लॉग आगे नहीं किया था कंप्लीट, बट आज है 6 तारीख, आज है कॉन्वोकेशन एंड आई एम इन अहमदाबाद राइट नाउ। अब हम कॉलेज जा रहे हैं और फिर हमारा कॉन्वोकेशन स्टार्ट होएगा 3:30 PM पे, तब मेरे पेरेंट्स आएंगे। तो अभी हम सब फ्रेंड्स लोग मिलने वाले हैं, सो मैं आपको मिलती हूँ कॉलेज में। सो अभी हम ये पहुंच गए हैं, मैं और मेरी एक फ्रेंड, और हम कॉलेज एंटर कर रहे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो मैं आपको आज का प्रोग्राम बता देती हूँ। सुबह हम यहाँ आए थे, 12 to 1:30 लंच है, देन हमें उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा गाउंस वगैरह का, फिर रिहर्सल है, फिर उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट है 3:40 to 3:50 के आसपास, और फिर उसके बाद 7 o'clock डिनर है। तो आज का पूरा दिन जीएनएलयू में है। आई शो यू द होल टूर एज वेल, तो ओके सी यू आफ्टर दिस। सो मैंने ये पहना था आज कॉन्वोकेशन के लिए। सो हम ये आ गए हैं, ये मेरी फ्रेंड है ज्योति, हम साथ में बैठे थे, और ये ऑडिटोरियम है, अब कॉन्वोकेशन स्टार्ट होने वाला है, सब बच्चे बैठ गए हैं, उनके पेरेंट्स पीछे बैठे हुए हैं। कृति भटनागर सो ये मैं और मेरे मम्मी पापा हैं, हम फोटोज़ खिंचा रहे थे, हमारा कॉन्वोकेशन ख़त्म हो गया, और ये मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, और अब कॉन्वोकेशन एंड हो चुका है। सो सबने फ़ोटो खिंचाना शुरू की, ये मैं और मेरी मॉम थी। रात का डिनर था, उसकी मैं वीडियो नहीं ले पाई गाइस, तो ये वहाँ पे डिनर के लिए हम रेडी हुए थे और गए थे, पास में एक होटल था वहाँ पे डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था। सो अगले दिन सुबह अभी हम जीएनएलयू की मेस में ही चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। जीएनएलयू की मेस है, ये मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, आज हम सबको निकलना है, तो लेट्स क्विकली डू अ टूर ऑफ जीएनएलयू। और ये मेरी एनएलयू की फ्रेंड्स हैं जो इस साल यहाँ जीएनएलयू में एलएलएम करने आए हैं। सो ये जीएनएलयू का मैप है, तो ये बीच में ऐसे क्रिकेट ग्राउंड है, इसके आसपास सब बिल्डिंग्स हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो ये जीएनएलयू के बाहर की रोड है, अब हम एंटर कर रहे हैं जीएनएलयू में। सो सामने आपको लाइब्रेरी दिख रही है, लाइब्रेरी की दोनों साइड से आप वो ग्राउंड को एक्सेस कर सकते हो जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो क्रिकेट ग्राउंड था। तो हम लेफ़्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, पहले हम लेफ़्ट चलते हैं, राइट जाके भी वही जगह आएगी, लेफ़्ट जाके भी वही जगह आएगी। तो ये जीएनएलयू, सो ये हमारी लाइब्रेरी है जो सामने आपको दिख रही है। अब हम साइड में जा रहे हैं लेफ़्ट में। सो लेफ़्ट में जाके ये यहाँ पे ऐसे पार्क्स टाइप है, यहाँ पे कुछ कुछ फेस्ट तो नहीं, पर हाँ मतलब कुछ कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते रहते हैं इस पार्क में, छोटे मोटे कुछ अगर चल रहा होता है फंक्शन तो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो ये एक पार्क है छोटा सा। फिर उसके बाद हम इसी रोड पे वापस जाएंगे, अब हम जाएंगे लाइब्रेरी के पैरेलल से टूवर्ड्स द बिल्डिंग्स। तो सामने आपको दिख रहा होगा ये साइड में तो कैंटीन आएगी अभी, ये देखिए ये यहाँ पे कैंटीन है। अब हम और लेफ़्ट चले गए तो यहाँ पे एक दुकान है, इसको गरीबदास बोलते हैं, यहाँ पे आपको सब सामान मिल जाता है जो भी आपको चाहिए होता है। अब हम वापस जाते हैं, ये लाइब्रेरी के पीछे की साइड से आ गए हम, तो ये लाइब्रेरी है,
इसके दोनों साइड में, एक साइड पे टीचर्स बैठते हैं, एक साइड पे लाइब्रेरी है फुल्ली। ये लाइब्रेरी है गाइज, सो ये है आपकी लाइब्रेरी। सो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, इसमें ऊपर नीचे लाइब्रेरी का ही एरिया है। सो ये एक्चुअली लाइब्रेरी, यहाँ से आप अंदर जाते हो और अंदर फिर लाइब्रेरी है, वहाँ पे बैठ के किताबें विताबें पढ़ो, पढ़ाई करो, सही है। और ये लाइब्रेरी की दूसरी साइड है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सामने। सो यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, डायरेक्टर सर का ऑफिस है एंड सारी फैकल्टी यहीं पे उनके चेम्बर्स हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर इंफ्रा है दोनों साइड। और ये आपका मेन गेट है। अब हम यहाँ से उतर के दूसरी साइड से जाएंगे। सो ये हम जा रहे हैं दूसरी साइड से। अब वहाँ पे क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि दूसरी उस साइड पे आपका गरीबदास था, यहाँ पे आपकी फुटबॉल फील्ड है। सो बच्चे जो खेलना कूदना पसंद करते हैं ज़िंदगी में, वो यहाँ पे आके खेलना कूदना कर सकते हैं। एंड देन या सो दिस इज़ द फुटबॉल फील्ड। एंड नाउ यहाँ पे ये आपका दूसरा गेम्स के फील्ड है, यहाँ पे आप बाकी गेम्स खेल सकते हो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने, जहाँ गुजरात मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, यहीं पे हमारी एलएलएम वालों की क्लासेस भी लगती है। तो ये एलएलएम वालों के लिए और गुजरात मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग बनाई गई है, पैरेलल टू द क्रिकेट ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी बिल्डिंग्स क्रिकेट ग्राउंड के आसपास ही है। तो ये क्रिकेट ग्राउंड है जैसा आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया ही था। और अब हम चलते हैं शिष्य भवन की तरफ, जहाँ पे BLLB की क्लासेस लगती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द शिष्य भवन। ये आपका शिष्य भवन है, सेम बिल्डिंग है जैसी LLM वालों की होती है। यहाँ पे BLLB स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती है, फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर। वॉशरूम है ये, यहाँ पे क्लासेस हैं अलग अलग। और ये बाहर का एरिया दिखता है यहाँ से, बहुत सारे बच्चे ब्रेक्स में यहीं खड़े हो जाते हैं। अभी लॉकड है क्लासेस, तो मैं वो नहीं दिखा सकती। फिर ये पूरी बिल्डिंग में क्लासेस ही क्लासेस है। ये बीच का एरिया है ऐसे जाने के लिए मेन रोड की तरफ, मतलब कॉलेज कैंपस रोड की तरफ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा देख के आते हैं कि मेस कैसी है GNLU गुजरात की। सो लेट्स गो। सो ये वही रोड है क्रिकेट ग्राउंड के साइड में। अब ये आ गई है मेस। सो ये मेस है हमारी GNLU की, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की एक ही मेस है जो कि हॉस्टल्स के बाहर है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन हैव देयर फूड। और ये लाइन लगी हुई है, बच्चे खाना ले रहे हैं, यहाँ पे आप खाना लेके बैठ जाते हो। हमने खाना ले लिया है, हम बैठ गए हैं, आज डोसा बनाया है, तो गुड डे फॉर अस कि आज हमें मेस में डोसा मिल गया। सो ये मेस है, यहाँ पे सब लोग आके अपना नाश्ता खाना डिनर। सो चार टाइम आते हो आप, सुबह ब्रेकफास्ट दिन में, एंड देन शाम को, एंड देन रात को। ये मेस की पीछे की सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर जाती है, ऊपर नाइट कैंटीन है जो कि रात को खुलती है 12 बजे। अगर बच्चों को भूख लगे तो वो आके यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है सामने, और अब हम गर्ल्स हॉस्टल में चलते हैं, क्योंकि मैं तो गर्ल्स हॉस्टल ही आपको दिखा सकती हूँ। बट सेम रूम्स है, ये रूम है, ये वॉशरूम है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, सो आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। ये एक क्या कहते हैं, आपकी एक शीशा है, ये आप खरीद सकते हो, या अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके रूम में होगा ही। और ये एक टेबल है जो आपको मिलती है, पर्दे आपको लाने पड़ते हैं। ये एक अलमीरा है जो आपको मिलती है, और ये एक बेड है जो आपको मिलता है। तो दिस इज़ व्हाट यू गेट, एंड ये आपका रूम रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट टू निवेदिता जो मेरे साथ NLIU में मेरी जूनियर थी, उसने मुझे रूम टूर करने दिया। एंड दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द रूम फॉर एवरीबडी। सो दिस इज़ निवेदिता, थैंक यू। एंड नाउ अब हम बाहर चलते हैं। सो ये बेसिकली कैंपस टूर है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो कहाँ रुकते हैं, गेस्ट हाउस कहाँ है। एंड ये हमारी बिल्डिंग है, ये शिष्य भवन था। अब ये हमारी बिल्डिंग पीछे का एरिया है, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग सेम ही है। तो यहाँ पे भी सेम ही क्लासेस हैं जैसी उस वाली बिल्डिंग में थी शिष्य भवन में, तो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। सो अब हम चलते हैं नीचे, ऐसे आप जाते हो तो यहाँ आता है आपका गेस्ट हाउस और टीचर्स का रेसिडेंशियल एरिया। ये वही रोड है जो जाती है लाइब्रेरी की तरफ, और ये है आपका गेस्ट हाउस।
सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इसमें आपने कॉन्वोकेशन कैसे होता है वो भी देखा, उसके साथ साथ कैंपस टूर भी देखा। जी एनयू बहुत अच्छा है, सारे ही लॉ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इंस्पायर करता है जी एनयू में पढ़ने का, एक अच्छे एनएलयू में पढ़ने का, टॉप 5 एनएलयू में पढ़ने का, तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ये आपका कॉलेज रहेगा। मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ जो क्लैट एस्पिरेंट्स की तैयारी कराती है। मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाती हूँ। तो अगर आप में से कोई भी मेरे साथ पढ़ना चाहता है, अन अकेडमी पे अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहता है, मॉक टेस्ट चाहता है, तो आप अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं क्लैट एग्जामिनेशन से पहले, सो दैट यू आर एबल टू डू योर प्रिपरेशन टू योर बेस्ट। और उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कृति बी, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में। अगर वो नहीं तो आप फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं अन अकेडमी पे। जो स्पेशल क्लासेस होती है वो फ्री होती है, वो अटेंड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। प्लस में आपको मिलते हैं एजुकेटर्स, क्लासेस, कोर्सेस, मॉक्स, टेस्ट सीरीज, लेकिन आइकॉनिक में ये सब मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, आपको एक पर्सनल मेंटर ग्रांट होते हैं, और उसके अलावा आपको मिलती है फिजिकल नोट्स जो आपके घर पे डिलीवर किए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो 10% डिस्काउंट के लिए आप कृति बी को यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का साल अच्छा लगता है, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं उनके वीडियोज। थैंक यू सो मच, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।